हेलो माय लवली पीपल, आप लोग कैसे हैं? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ग्लोबल विलेज। आज हम जाएंगे ग्लोबल विलेज टूर पे, तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे, चलिए आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पे आप इस तरह से रॉयल कार्ट्स देख रहे होंगे, बिल्कुल फेरी टेल जैसा फील आ रहा है ना। और ये दूर से ग्लोबल विलेज का कुछ नज़ारा। यहाँ पे हम टिकट्स करते हैं, 15 दिरहम का टिकट पड़ता है यहाँ पे। और अब इसके अंदर हम जाएंगे। यहाँ पे आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी, बिग बेन और पिरामिड भी देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सी अच्छे अच्छे और फेमस मॉन्यूमेंट्स वो भी देखने मिलेंगे। ग्लोबल विलेज इज़ लाइक एन एग्जिबिशन, और ये बिल्कुल हर साल इसका सीज़न आता है। और यहाँ पे लोग आते हैं बहुत सारी ख़रीदारी करने के लिए और बहुत से अच्छे अच्छे से जगह देखने के लिए। इस तरह से जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है, बहुत एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सी चीज़ें बनाई गई हैं जो कि हम आपको आगे दिखाएंगे। और ये बिल्कुल ब्यूटीफुल सा नज़ारा आपके लिए। यहाँ पे आपको पेरिस के आईफिल टावर से लेके इंडिया का ताजमहल भी आपको मिल जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इराकी बाजार के जस्ट ऊपर ओपेरा हाउस भी है सिडनी का, और बड़ा ही मज़ेदार सा नज़ारा है। ताजमहल तो आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल न्यू लुक वाला ताजमहल। हर जगहों को लेके अपने अपने पवीलियंस बने हुए हैं, कुवैत पवीलियन, यमन पवीलियन और भी पता नहीं क्या क्या। और बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने इन चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो बिल्कुल वहाँ की चीज़ें ही आपको मिलेंगी। और ये हम जा रहे हैं आज कुवैत पवीलियन। कुवैत पवीलियन के अंदर आप अगर जाएंगे, आप देखेंगे बहुत सी तरह की इत्र और परफ्यूम्स और भी वहाँ के जो कपड़े, इस तरह से। अगर आप अबाया शॉप करना चाहती हैं तो ग्लोबल विलेज का इंतज़ार करें, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अबायास मिल सकती हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे वेडिंग ड्रेसेस। और ये लोग यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए रखे हैं, यहाँ के ट्रेडिशनल सॉन्ग्स एंड म्यूजिक्स को इन लोग बढ़ावा देते हैं, और यहाँ पे लोग जो हैं एंटरटेनमेंट का मज़ा ले रहे हैं। कुवैत पवीलियन से निकलकर अब हम जा रहे हैं यमन पवीलियन में। यमन पवीलियन के अंदर आप जाते हैं तो आप देखते हैं बहुत सी चीज़ें जो कि यमनी लोग यहाँ पे बेच रहे हैं, जैसे कि वहाँ की जो स्पेशलिटीज़ हैं वो सारी यहाँ पे ये लोग बेच रहे हैं। और अब हम चलते हैं मोरक्कन पवीलियन। मोरक्को का ये पवीलियन, इसके अंदर में यहाँ पे म्यूज़िक, डांस सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल वहाँ का ट्रेडिशनल म्यूज़िक है ये, ट्रेडिशनल डांस है ये। तो आपको थोड़ा सा ही मैं दिखा सकती हूँ। अब हम यहाँ पे सूदिंग सी जगह पे आके खड़े हो गए हैं। यहाँ का नज़ारा तो देखें आप, कितना लाजवाब है। हर कंट्री का अपना अपना एक पवीलियन है। आप देख सकते हैं इजिप्ट पवीलियन है, और भी बहुत सारे जगहों के हर कंट्रीज़ को लेके यहाँ पवीलियन बनाए गए हैं। अगर मैं सबको एक साथ में दिखाना चाहूँ तो शायद मैं ना दिखा पाऊँ, क्योंकि बहुत ही लंबा एक वीडियो सा बन जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह
और मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट सीज़न में जो कि इस साल आने वाला है, तो उसके लिए भी इंतज़ार करें। और इस तरह से मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोगों को यहाँ का फूड हब, हर तरह के यहाँ पे आपको डिशेस मिल जाएंगे, हर तरह के आपको यहाँ पे स्ट्रीट फूड टाइप्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे चिकन्स, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ का फ्राइड चिकन, और आप अगर यहाँ पे आएँ तो आप ज़रूर ट्राई करें। और ये है बाकी का एरिया, और कुछ ही जगहों के अंदर हम जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा पड़ जाएगा अगर हम सारे पवेलियंस के अंदर जाएं तो कोशिश करूँगी कि कवर करूँ, तो देखें, देखते रहें। ये सारे पवेलियंस तो आप बाहर से देख चुके हैं, लेकिन अब हम चल रहे हैं कार्निवल। ये यहाँ का कार्निवल है। बच्चों के लिए ये बहुत ही परफेक्ट सी जगह है और बहुत ही पसंदीदा, और यहाँ पे हॉरर शो से लेकर मेरी गो राउंड से लेकर जंपिंग राउंड से लेकर इस तरह से आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारी फन लविंग चीज़ें जो कि यहाँ पे मिल जाएंगी। इस तरह से ये जाइंट व्हील और भी बहुत सा पता नहीं क्या क्या है यहाँ पे, और मुझसे रोका नहीं गया और मैं यहाँ आ गई जापानीज पवेलियन के अंदर। और यहाँ पे ये लोग का म्यूज़िक शो एंड डांस शो चल रहा था जो कि आप देख सकते हैं। ईरान पवेलियन में मैं आपको ज़रूर लेकर जाऊंगी क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है मैं देख रही हूँ बहुत रिच है, और ये बिल्कुल जो हमारे इंडिया जैसा इन लोगों का राजाओं का लुक है, तो मुझे बहुत पसंद आया इनका पवेलियन। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे पवेलियंस हैं और भी बहुत सारे जितने भी हैं यहाँ पर सारे अच्छे पवेलियंस हैं, लेकिन ये पवेलियन मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा। तो मैं इसका म्यूज़िक से अंदर आई हूँ इन लोगों का जो म्यूज़िक सुन के, तो देखते हैं क्या है इनका, कैसा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। अब यहाँ से निकल के हम बिल्कुल अब जा रहे हैं तुर्की, नहीं मैं रियल में जाने की बात नहीं कर रही हूँ, तुर्की पवेलियन जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सूफ़ी तरीके से इनको यहाँ पे लगाया है इन्होंने, और यहाँ पे तुर्की की बहुत सारी स्पेशलिटीज़ यहाँ पे आपको मिलेंगी, तो इसके अंदर अब हम जाएंगे तो देखते हैं इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये भी पवेलियन बहुत अच्छा है, और इसी के साथ अब हम ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। तो ख्याल रखें अपना, टेक केयर, बाय बाय।